अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्राइस टीवी और प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहना चाहेंगे। नाज़िर, रमज़ान मुबारक का महीना है, हम तमाम लोग मिलकर रोज़े रख रहे हैं और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत भी बांट रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा खास महीना होता है जहाँ पर सहरी भी इकट्ठे होती है और इफ्तारी भी इकट्ठे होती है। बिल्कुल, बख्शिश और मगफरत का महीना है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्यार मोहब्बत भाईचारे के साथ दूसरे के साथ रहें ताकि हम इस महीने की बरकतों से फैजयाब हो सकें। वेल, हम प्रोग्राम में खबरें आपसे शेयर करते हैं और अक्सर अवकात हम देखते हैं नाज़रीन के ख़वातीन के बारे में, जब किसी फील्ड में उन्होंने एंटर होना होता है दैन बड़ा स्टार्ट में मुश्किल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी जगह किसी भी चीज़ में बना लेते हैं, ग्रेजुअली वो जगह बना लेती हैं और जब वो जगह बनाती है तो फिर मर्दों से ज्यादा जगह बना लेती है, क्योंकि बड़ी स्ट्रगल के साथ वो किसी जगह पे आती है, वहां पे अपना अपने कदम जमाना मर्दों के लिए तो यह है ना कि हर चीज जहां वो चाहे वो काम कर सकते हैं। साइकोलॉजी भी मोइन यही है कि जो औरत है उसके अंदर इमोशनल जो एक क्या कहते हैं सेटलमेंट है वो बहुत ज्यादा है, उनके इमोशन इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो इस कदर ज्यादा मेंटल लेवल पे उनकी स्ट्रेंथ होती है कि वो मर्दों से कहीं भी किसी भी काम में पीछे नहीं रहते। अच्छा, खैर, हमारी खबरों के सिलसिले में हम इस फील्ड के हवाले से बात करें तो बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कंपनी ये पहला पानी अदारा था जो खबरें देना शुरू किया और वहां पे खवातीन की एंट्री कैसी, हम आज आपसे शेयर करेंगे ऐसी खातून की स्टोरी जो कि बीबीसी की पहली खातून रीडर थी नैन्सी विगेंटन ने, जो कि नैन विंटन के नाम से जानी जाती हैं। 20 जून 1960 को बीबीसी की पहली खातून न्यूज रीडर बनी और विंटन ने टीवी खबरें पढ़ने से पहले जर्नलिज्म में काफी तजुर्बा हासिल किया था। उन्होंने टीवी और रेडियो पर काम किया और रिटायरमेंट के बाद ब्रेडपोर्ट और डोरसेट में रिहाइश पजीर हैं। जी हाँ, मजीद आपको बताएंगे कि विंटन बीबीसी की पहली खातून न्यूज रीडर थी। इस वक्त इस फैसले को बीबीसी ने एक तजर्बा करार दिया था, लेकिन यह फैसला कमर्शियल टेलीविजन की जानिब से दरपेश चैलेंज की वजह से किया गया था और इस पर बहुत बहस हुई थी। और अगर एंकर्स की बात करें या न्यूज रीडर्स की बात करें तो इटसेल्फ एक बड़ा ही डिफिकल्ट काम है, मैं तारीफ नहीं कर रहा अपनी, लेकिन क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि नेचुरल होता है आपके अंदर, अगर आपके अंदर ये नेचुरल टैलेंट मौजूद है तो आप इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉलिश कर सकते हैं। आपके अंदर आपको एक तो खबरें पढ़ने का तरीका, उसको आपकी लैंग्वेज बड़ी मैटर करती है, दूसरी बात है कि आपको लोग वहाँ नेक्स्ट जो देख रहे हैं आपको लोग वो एक्सेप्ट भी करें, और उस टाइम में खवातीन को एक्सेप्ट करने वाले लोग बहुत कम थे। जिस तरह से लोग समझते थे कि जिस तरह से उन्होंने विंटन को दिया मौका कि वो टीवी पर आए, उनका मकसद ये था कि जो विंटन का संजीदा अंदाज, जो मीडिया के बारे में तासुब है कि खवातीन जो संजीदा खबरें नहीं पढ़ सकती, उसको दूर करने के लिए विंटन को मौका दिया गया और विंटन ने इस मौके का खूब फायदा उठाया। जी हाँ, और आपको ये भी बताएं कि बीबीसी ऑडियंस रिसर्च के मुताबिक विंटन ने कम अरसा ही स्क्रीन पर काम किया, क्योंकि नाज़रीन का ये कहना था कि रात के बुलेटिन औरत की जानब से पढ़ा जाना काबिले कबूल नहीं। बीबी की जानब से सन 1997 में बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री में विंटन ने कहा कि इन्हें इस वक्त समझ नहीं आई कि यह कितना इनकलाबी कदम था। वो कहती हैं कि मुझे ये जरूर महसूस हुआ कि हर कोई इस बारे में पुरजोश जरूर था। बिल्कुल, और इसके अलावा वो कहती हैं कि मुझे कभी पब्लिक या प्रेस से कोई मसला नहीं हुआ, ये इदारती स्टाफ था जो काबिले एतबार नहीं था। और अपने एडिटोरियल स्टाफ के बारे में बताते हुए विंटन ने कहा कि कैसे कौमी अखबारात में काम करने के आने वाले अफसरान उनके बारे में इबहाम का शिकार रहते थे, और 1960 में अक्टूबर के महीने में 9 बजे के न्यूज प्रोग्राम से हटा जाने से पहले उन्होंने 7 मरतबा लेट बुलेटिन भी पढ़ा था। जी हाँ, बीबीसी टेलीविजन के सरबराह माइकल पीकॉक ने विंटन को अपने दफ्तर में बुलाया और नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने ये बताया कि वजह नहीं बताई उन्होंने, लेकिन उन्हें दफ्तर से निकाल दिया। फिर सन 1975 में जब तक एक खबर पढ़ने वाले 9 बजे के जो एक खबरनामा था उसको पढ़ने वाली जो टीम थी वो शामिल नहीं की गई, तब तक खबरें पढ़ने के लिए कोई मुस्तकिल खातून न्यूज़कास्टर भी नहीं थी वहां पर मौजूद। और सबसे बड़ा ये है कि अगर आपके पास कोई इस तरह की खातून आ जाती है तो अगर ट्रेंड नहीं था उस वक्त क्योंकि खवातीन को खबरें पढ़ाने का, तो कम अज कम उनको इतना अप्रिशिएट जरूर किया गया अब, क्योंकि एक वो कदम जो उन्होंने स्टार्ट किया था, अब खवातीन का इतना ज्यादा होल्ड न्यूज फील्ड में कि खबरें पढ़ने में और प्रोग्राम्स एंकर्स इवन के आजकल खवातीन हैं, तो ये बहुत बड़ी एक इनिशिएटिव था जो कि उस वक्त उन्हें तो पता नहीं था कि वाकई के मैं इतने बड़े कदम जो एक इनिशिएटिव का मैं फर्स्ट मेंबर बनने जा रही हूं। Exactly, लेकिन आज अगर वो देखते, अगर वो वैसे जो अभी एक जो रजीम स्टार्ट कर दी ना मोइन उन्होंने, उसके बाद खवातीन ने बहुत सारा काम भी किया इसमें और न्यूज एंकर्स भी बनी और बड़ी अच्छी न्यूज एंकर्स बनी। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इंटरेस्टिंग खबर हमारे पास है, लेकिन तब तक के लिए आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट। जी नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे हम ट्रैफिक के हवाले से। ट्रैफिक में जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में गाड़ियाँ, टैक्सीज और सड़क पे जो एक हजूम होता है गाड़ियों का, वो जहन में आता है। अब आजकल हम देखते हैं कि गाड़ियों की ट्रैफिक इतना ज़्यादा बहाव हो चुका है, इतनी ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स रोड्स पर आ चुकी हैं और अभी आपको नई सड़कें बनानी पड़ती हैं, हर साल आपको इसमें इजाफा करना पड़ता है कि ट्रैफिक का जो बहाव वो मुतासिर ना हो, किसी ना किसी तरह से कम किया जाए। और जब कभी आप ट्रैवल करते हैं ना गाड़ी में, खासतौर पे आप ये समझते हैं कि मुझे फैसिलिटी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए ताकि मैं अच्छे से सफर कर सकूं, लेकिन जब ट्रैफिक में आप फंस जाते हैं तो आप बड़े परेशान होते हैं, फिर आपका पता क्या दिल करता है,
आप यही समझते हो इस वक्त, यही सोचते हैं कि काश मेरे पास कोई हेलीकॉप्टर होता और मैं यहाँ से उड़ के चला जाता। इस्तेमाल करते हैं कि हम जब किसी कोई फ्लाइंग गियर लगा लो इसका गाड़ी का ना, कि हम उड़ के चले जाएं। तो उड़ने वाली जो बात है, फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन हो जाती है। मूवीज में भी देखते आते हैं कि हम अक्सर देखते हैं कि बाइक्स उड़ रही है, गाड़ियां उड़ रही है, और अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि फिजा में प्रॉपर 2050 में क्या होगा। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ चीजें जो है बेहतर हो रही है, तो हमारे लिए इंसानों के लिए फैसिलिटीज इतनी ज्यादा आ जाएंगी। इवन की हम दोनों प्रोग्राम में ये बात किया करते हैं। एक दफा हमने एक स्टोरी भी शामिल की थी, एक उड़न बाइक था हमारे पास, हमारे पास नहीं था, खबर थी। तो हमारे पास होता था, हाइट पे वो उड़ सकता था और 20 मिनट तक वो कंटिन्यूअसली वर्क कर अपना उड़ेगा वो। और अभी हम आपसे बात शेयर करेंगे बाइक के बाद, अब एक टैक्सी भी जो कि उड़ सकती है उसका तजुर्बा कर दिया गया है जर्मनी में। इस टैक्सी को स्टार्टअप कंपनी लिलियम ने तैयार किया है और इसमें 5 अफराद बैठ सकते हैं और जल्द ही ये जो सहूलत है आम शहरियों के लिए दस्तयाब होगी। सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ये टैक्सी बनाई गई है, लेकिन आमतौर पर बाइक्स बनाए जाते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल कोई पर्सन खरीद सकता है, अगर वो अफोर्ड इसको कर सके तभी वो इसको खरीद सकेगा। लेकिन ये टैक्सी क्योंकि आम पब्लिक के लिए बनाई गई है, तो कोई भी इंसान जो है इसमें ट्रैवल कर सकता है और आसानी से इसका फायदा भी उठा सकता है। आपको बताएं कि तफसीलात के मुताबिक कंपनी ने इस प्रोटोटाइप टैक्सी की आजमाइशी उड़ान का तजर्बा इंतहाई कामयाबी के साथ किया है और इनके मुताबिक इसमें वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग VTOL सिस्टम है, यानी रनवे के बगैर ये हेलीकॉप्टर की तरह उठती है और लैंड भी करती है। जी बिल्कुल। इस गाड़ी के बारे में, उसकी स्पीड के बारे में बात करें तो टैक्सी 186 मील फी घंटे यानी 300 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ये चलती है और कंपनी ने इसकी तैयारी की एक तवील अरसे तहकीक भी की है और इसे कई टेस्ट के बाद गुजारने के बाद अब ये तजुर्बा कामयाब हो चुका है और 300 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार, यानी कि आप अंदाजा करें कि आप जस्ट 20 से 30 मिनट में आप एक फैसलाबाद से लाहौर पहुंच जाएंगे। आप उड़ते हुए इतना ज्यादा सफर जो है वो आप तय करेंगे और मैं समझता हूं मोइन कि ये एक तरह तो बहुत ज्यादा आप समझें कि लग्जरियस सा हमें लगता है, लेकिन इसकी अफोर्डेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी साथ साथ में। पता नहीं कितना किराया होगा इसका। चार्जिंग से चलती है ना, इसमें पेट्रोल वगैरह का ऑप्शन भी है, लेकिन इसकी बैक पे चार्जिंग है और चार्जिंग से आप कम से कम इसको काफी देर तक चला सकते हैं। तो इट मीन्स के हमें अच्छा एक बात और है कि अगर इस कंपनी इस चीज को लॉन्च करने से पहले हमें ये भी देखना होता है कि हमारे पास क्या इस चीज को चलाने के लिए उतनी कैपेसिटी मौजूद है, हमारे पास चार्जिंग की बिजली इतनी बिजली है। जिस तरह पाकिस्तान में जब मोबाइल फोन आए थे तो मोबाइल फोन के बाद ये हुआ था कि आपके पास बिजली शॉर्ट हो गई थी, इतने आपने फोन चार्ज लोग करते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर आपकी पहले से तैयारी होनी चाहिए। हाँ, ये चीज बनाने के बाद इसको हमने यूज भी करना, तो हमारे पास प्रोडक्टिविटी भी और ये सारी चीजें जो है वो एक्सपर्टीज जो लोग बैठे हुए हैं जो इसको तैयार करते हैं उनको ये तमाम चीजें देखनी पड़ती हैं, बैक द बिहाइंड द सीन के ये तमाम चीजें किस तरह से रिजल्ट क्या निकलेगा आखिर, और हमारे पास वो तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं जिसके लिए हमने ये तमाम चीजें बनाई हैं। आपको बताएं कि लिलियम की सबसे कामयाब बात इसका डिजाइन है जो ड्रोन मोड पर आज खुद या पायलट मोड में भी काम करता है। इस टैक्सी में दम रेडार नहीं है और ना ही कोई गियर बॉक्स है। जी बिल्कुल। मुसाफिरों के लिए इसमें नशिस्तें रखी गई हैं और इसमें बुलबुला नुमा शीशे की खिड़की से एक दायरे में हर जगह का नजारा किया जा सकता है। कंपनी के मुताबिक ये टैक्सी 2025 तक बड़े शहरों में दस्तियाब होगी। दूसरी जानब दीगर कई कंपनियां भी ऐसी बरकी गाड़ियों पर काम कर रही हैं जिनमें से जल्द ही ड्रोन गाड़ियों और हवाई टैक्सियों का ख्वाब पूरा हो जाएगा। हम अक्सर देखते हैं कि कार्टून देखते रहे, हम मूवीज देखते रहे, स्टार वॉर्स की हम बात करें तो वहां पर हम देखते थे कि जमीन पर ट्रैफिक का निजाम अलग से है, फिजा में अलग से है। तो ये जो ख्वाब था, अगर आपने मूवीज देखी, कार्टून्स आपने देखे हैं बचपन में, जेटसंस के नाम से कार्टून आप देखा करते थे, हाँ। तो वो जो ख्वाब था वो अब एक्चुअल में पूरा होगा। तब हम सिर्फ ये सोचते थे कि ये हमारा ख्वाब है, हम इमेजिन भी नहीं कर पाते थे कि ये तमाम चीजें किस तरह से पॉसिबल होंगी। अच्छा, लेकिन अब देखिए, आपने सुपरमैन मूवी देखी होगी लाजमी। एग्जैक्टली देखी। आपके जहन में कभी ये तो आया होगा ना कि मैं भी अचानक से फिजा में उड़ के मैं भी कोई लोगों पे परेशानी आया तो मैं भी अपनी कमीज फाड़ के मैं भी लोगों की मदद करूं। सबके जहन में ये आता है लेकिन कोई भी सुपरमैन की तरह नहीं उड़ सकता। मैं आपको आज बता रहा हूं कि ये टेक्नोलॉजी भी आएगी कि आप खुद सुपरमैन की तरह उड़ सकेंगे। अच्छा, जैसे हम पहले ये इमेजिन नहीं कर पाते थे कि इस तरह की गाड़ी आएगी, इसी तरह हम ये भी इमेजिन नहीं कर पा रहे। हमारे बचपन की हर चीज जो हम चाहते थे कि हम वो करें, हम आज वो कर सकते या करने वाले हैं, तो ये चीज भी जरूर पूरी होगी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा से कुछ और इंटरेस्टिंग बातें शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ रहिएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्हाट्स इन व्हाट्स आउट। जी नाज़रीन, एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। दिस न्यूज़ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि बचपन की जब हम बात करते हैं तो बचपन हमारा इंटरेस्टिंग भी बहुत है और हमें याद भी बहुत आता है। मेमोरीज कभी भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती, और हम अगर अपने बचपन की बात करें तो बचपन में बहुत सारी हमने गेम्स खेली हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा चीपर गेम ये होती थी कि हम अपने अपनी बुक का, या फिर ज़्यादातर मैं तो वैसे बुक का फाड़ता था, लेकिन कॉपी का पेज फाड़ कर, जिस कॉपी के ऊपर टीचर ने होमवर्क दिया होता था स्पेशली वही पेज फाड़ कर हम क्या करते थे कि हम उसका जहाज़ बना
लगाकर दोस्तों के साथ रेस लगाते थे या फिर अगले वाले डेस्क के ऊपर फेंक देते थे ताकि कोई डिस्टर्ब हो सके, मैसेज आप लेके फॉरवर्ड कर देते उस पर। और अक्सर इस तरह मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने छुट्टियों का काम किया गर्मियों की और पूरी कॉपी थी मैंने काम किया और मेरा छोटे भाई ने वही उस कॉपी के तकरीबन आधे सफात को लेके उसने जहाज बना के वो उड़ाता गया और मुझे बाद में पता चला कि मेरी पूरी महीने की मेहनत इस तरह से हवा में उड़ के जाया हो चुकी है। तो ये वो यादें हैं बेसिकली। उसके अलावा कश्ती हम बनाते थे, कश्ती भी इस तरह से कि हमारी कश्ती बैलेंस रहे पानी में, वो डोल लेना, जितनी देर तक वो चलती थी उतना ही हम अपने आप को कामयाब तसव्वुर करते थे। एग्जैक्टली। अच्छा मोइन, ये तमाम पुरानी चीज़ें हैं और इन तमाम पुरानी चीज़ों के हम जैसे नए नए होते गए ये तमाम पुरानी चीज़ों को हम भूलते गए, हमने बिल्कुल भी इनको रीन्यू नहीं किया। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे स्कूल्स में, इवन के स्कूल्स में क्योंकि जहाज उड़ाते थे बच्चों को शौक होता है तो ये चीज़ें दोबारा से प्रैक्टिस नहीं की। और ये क्रिएटिविटी थी बेसिकली कि आपका एक बच्चा हमेशा था जिसके जहाज बहुत ही अच्छा होता था, जिसकी कश्ती बहुत अच्छी होती थी क्योंकि उसमें होता था कि नोक होनी चाहिए ताकि वो हवा को उसका प्रेशर ना इतना और वो जितनी देर तक चल सके। बच्चों को तो खैर उस टेक्निक का नहीं पता होता लेकिन बच्चे ऐसे बनाते थे और जितनी ज़्यादा वो प्रैक्टिस करते थे अच्छे से अच्छे जहाज बनाकर एक दूसरे के साथ रेसें भी लगाते थे और एक दूसरे के साथ मुकाबले चैलेंजेस भी होते थे और उसमें जीतते भी थे और बाद में शर्त को मुकम्मल करने में कोई पार्टी भी रखी जाती थी। एक और यहाँ पर इसी हवाले से खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रिया में कागज़ से बने जहाज़ों का बैनल कवामी मुकाबला हुआ है जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते क्योंकि स्कूल के ज़माने में ये होता था लेकिन अब ये बैनल कवामी तौर पर ये मुकाबला होगा ये हमने कभी नहीं सोचा ऑब्वियसली। और इसके बारे में बताएं कि स्कूल के दौर के सभी कागज़ से बने जहाज़ उड़ाते थे मगर ऑस्ट्रिया में शौकीन अफराद ने कागज़ से बने हुए जहाज़ों का बैनल अकवामी मुकाबला ही करवा डाला। जाएगा हम जो चीज़ें करते थे हम वो भूल चुके लेकिन ऑस्ट्रिया में चूँकि ये चीज़ें आपकी नेचर के करीब हैं तो वो लोग शायद इस बात को समझते हैं और समझ गए हैं तो उन्होंने अपने बच्चों का वो जो एक लाओबाली सा पंजी सम कहते उसको उन्होंने प्रॉपर एक टूर्नामेंट की शक्ल दे दी। जी हाँ, मजीद इसके बारे में आपको बताएं कि 58 मुल्कों से 176 अफराद इस मुकाबले में शिरकत के लिए आए। जहाज दूर तक फेंकने और हवा में देर तक रुकने के मुख्तलिफ मुकाबले हुए। अमरीका से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा 56.61 मीटर दूर जहाज फेंक कर फतह समेट ली। और इस चैंपियन जो रहे इस पूरे टूर्नामेंट के वो ऑस्ट्रिया से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी थे जिन्होंने तकरीबन 13.33 सेकंड हवा में जहाज को रखा और एक नया रिकॉर्ड बना दिया इस पूरे टूर्नामेंट में। और ये वैसे बेसिकली इस तरह होना चाहिए क्योंकि आपकी बच्चों की स्टडी के अलावा जो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं सिवाय हम मोबाइल्स की बात करें मोबाइल से हट के ये इसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं और आपके अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा होता है। आपका ना वो नहीं होता कि आपने एक दूसरे से जीतना है, इस तरह से होना कि आपकी जितनी अच्छी क्रिएटिव जितना अच्छा आप उसको बनाएंगे उतने आपकी कामयाबी के चांसेस ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा लेट डाउन नहीं करना आपने। बिल्कुल ऐसा ही आप थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं ना बच्चों को इसके जरिए। और बहुत सारी गेम्स होती हैं आजकल तो इवन के जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं टीचर्स की या फिर बच्चों की उसमें जहाज बनाकर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी भी करवा सकते हैं जिससे बच्चे बहुत ज्यादा लर्न करते हैं। अच्छा यहाँ पर 13.33 सेकंड के अंदर इन्होंने ये जहाज है हवा के अंदर रहा है, मैं समझता हूँ कि ये इनको जीतना नहीं चाहिए था क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को ले जाए ना जो हमारे गाँव के बच्चे हैं आजकल भी स्कूल में गांव के स्कूल्स की बात करें तो ये त्यौहार मैं इसको त्यौहार ही कहूंगा ये मनाया जाता है अभी भी और बच्चे इस तरह जहाजों के साथ खेलते हैं। अच्छा तो उनके जहाज ऐसे होते हैं जो कि काफी देर तक हवा में रहते हैं, उसके पीछे मक्खी भी बांध देते थे लोग बच्चे हमारे। हाँ इतनी ज्यादा मक्खी को पकड़ के और उसके बाद उसकी टांगों से कुछ धागा बांध के साथ जहाज उड़े साथ मक्खी भी उड़ रही है लेकिन उसका जहाज का पायलट मक्खी थी उस टाइम हम जो करते लेकिन वो ज्यादा देर तक हवा में नहीं रहता था क्योंकि मक्खी का थोड़ा सा वेट होता है तो वो इतना ज्यादा हवा में देर तक नहीं रह पाता था। वह नाजीन एक छोटा सा ब्रेक है यहाँ पर, ब्रेक के बाद एक और खबर हमारे पास इंटरेस्टिंग सी मौजूद है उससे भी आपको गा करेंगे, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन कुछ बात करेंगे धरनों के हवाले से। धरने देने वाले अब धरने तो नहीं दे रहे लेकिन अब वो हुकूमत में मौजूद हैं और धरने का जो ट्रेंड है लेकिन पूरी दुनिया में सरायत कर चुका है और लोग जब भी अपनी बात मनवाना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि रूटीन्स के रूटीन में नहीं होता तो वो धरना दे देते। वो तो खैर बहुत बड़ा धरना दिया गया था और पूरे मुल्क के लिए वो धरना दिया गया था, आवाम के लिए मिसाल बन गई ना। जब भी किसी बंदे ने कोई बात मनवानी हो तो वो कहता है कि मैं धरना दे दूंगा, इवन ऑफिस में भी ये बात होती है। लेकिन सबसे मजे की बात कि अब आप इंडिविजुअल लेवल पे भी धरना दे सकते हैं। अगर आपको अपनी अम्मी आपको टूर पे नहीं जाने दे रही, आपके घर आपके फादर आपको टूर पे नहीं जाने दे रहे, आपकी कोई भी बात कोई नहीं मान रहा तो आप धरना दे सकते हैं, आप अपनी बात मनवा सकते हैं। यानी कि ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट बन चुका है धरना देना। तो धरने के वाले से बात करेंगे, धरना सिर्फ हम अपनी बात मनवाने के लिए नहीं दे सकते, ऐसा होता है कि आप अपने बच्चों के लिए भी धरना दे दे। एक ऐसी ही माँ के बारे में हम बात करेंगे प्रोग्राम में जिन्होंने एक पूरी फ्लाइट को रुकवा दिया, जहाज को 1.5 घंटे तक रुकवाए रखा क्योंकि
उनकी बेटी खरीदारी कर रही थी नीचे शॉपिंग मॉल में। जी हाँ, आपको बताएं कि गैर मुल्की खबर रसान अदारे के मुताबिक चीनी खातून ने बेटी की शॉपिंग की वजह से परवाज में ताखीर करा दी। जहाज 1.5 घंटे की ताखीर से मंजिल की जानिब रवाना हुआ। जी बिल्कुल, और मुसाफिर माँ ने जहाज से बाहर धरना दे दिया था और जहाज के अमले को सरबराह को जहाज का दरवाजा बंद करने से रोके रखा। खातून का दावा था कि बेटी खरीदारी कर रही है और इसलिए उसने पुलिस से दरख्वास्त की कि उसका इंतजार किया जाए, ताकि क्योंकि पुलिस चीजों की तलाशी में मसरूफ थी। माँ बेटी को जहाज में सवार होने के बावजूद जहाज के अमले और पुलिस की मुदाखलत के बाद जहाज से उतार दिया गया, जिसके बाद जहाज तकरीबन 1.5 घंटा लेट हो गया। जी हाँ, फजाई कंपनी की ने तखीर का बाइस बनने वाले मुसाफिरों के रवैये की मजम्मत करते हुए इसे गैर मजहब फेल करार दिया है। और मुझे लगता है कि जो इस तरह की एक्टिविटीज है ना, आप बिल्कुल डिस्टर्ब कर रहे होते हैं आप, क्योंकि सर आपको पता बहुत सारे मुसाफिर ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना होता है, इमरजेंसी में जा रहे होते हैं। तो इस तरह की चीजें अगर आप जो ना खरीदारी करना आपका इंडिविजुअल मैटर है और आप कोई ऐसी चीज नहीं ले रही जो कि आपको वहां नहीं मिलेगी जहां आप जा रही है जहाज के जरिए, तो कोशिश ये करनी कि आपकी एक जात की वजह से अगर पूरे के पूरे जहाज को, अमले को, मुसाफिरों को प्रॉब्लम हो रही है, तो डिसिप्लिन के जुमरे में आता है ना कि आप देखिए आपकी फ्लाइट का जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपको फ्लाइट के अंदर होना चाहिए, लेकिन आप शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग करने के बाद आप फिर फ्लाइट को रुकवा दे रहे हैं। एक तो उस खातून की गलती जो कि शॉपिंग कर रही है, दूसरी उसकी माँ जो कि उस चीज को सपोर्ट कर रही है, ब्रदर देन कि वो खुद नीचे आके चाहिए तो वेट करे, चाहिए तो उसने जहाज पूरा रखा, चाहिए तो ये था कि बेटी को शॉपिंग ही करने देती और वो दोबारा से नई फ्लाइट लेकर उनके पास पहुंचती। लेकिन हम ये होता ना कि माँ बेटी एक बहुत प्यार मोहब्बत का एलिमेंट है, तो ये वैसे इस सेल्फिश हो जाता है, दो लोगों के दरमियान रहे तो बेहतर है, लेकिन पूरे के पूरे लोग अगर आपसे सोसाइटी डिस्टर्ब हो रही तो ऐसे में हम अपने जो पर्सनल इमोशंस को हमें कंट्रोल करना चाहिए। और वैसे भी गैर मुहज्जब फेल करार दे दिया गया। हम अक्सर बात करते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज या बाकी जो पाकिस्तान से बाहर के लोग हैं वो बड़े मुहज्जब हैं, तो ये एक ऐसी खबर है कि जिससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि जो प्यार मोहब्बत और जो सेल्फिश और खुदगर्जी का जो एलिमेंट है ये कभी भी कहीं भी किसी भी कौम में किसी भी वक्त जाग सकता है। और तो इसमें किसी को खास नहीं कर देना चाहिए कि ये पाकिस्तान के लोग इस तरह के, इंडिया के लोग ऐसे हैं या चीन के लोग बहुत ही सब पॉजिटिव, बिल्कुल ऐसे समझा जाता है, लेकिन ये तासुर बिल्कुल गलत है। सेल्फिशनेस का जो एलिमेंट है वो आपके अंदर होगा तो फिर डेफिनेटली आप एक कौम बन के उभर नहीं सकते, पूरी दुनिया में अपना पॉजिटिव चेहरा जो है वो लोगों को नहीं दिखा सकते। अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा बहुत लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, जिस तरह इन खातून ने किया। तो इसी एक अच्छी बात के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, प्रोग्राम में दोबारा से मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले ये बताना जरूर मैं पसंद करूंगा कि आप लोग हमारा प्रोग्राम हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और साथ ही साथ में आप लोग हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर पाएंगे ब्राइट स्टार टीवी के नाम से। और हमें लाइव देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, दैट इज brightstartv.live, और हमें फीडबैक देने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं और हमें अपने फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक नाज़रीन, मुझे और शाहज़ेब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।